बच्चे जब घर से बाहर खेलने जाते हैं तो अक्सर घर वाले कहते हैं कि ध्यान से खेलना, और अगर बच्चे की अक्सर लड़ाई हो तो कहा जाता है कि देखो किसी से मारपीट मत करना। लेकिन मेरे जैसे कई परिवार ऐसे भी हैं जहां बच्चों से कहा जाता है कि बस पिट के मत आना, भले कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम पिट जाओ, लेकिन एक आध तो जड़ ही देना। और ये सारी बातें अक्सर हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हमारी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन को उनके पापा ने भी कहा होगा, तभी तो लड़ने वाली स्पिरिट उनके अंदर से जाती ही नहीं है। जब वो 12 साल की उम्र में पहली बार बॉक्सिंग रिंग में पहुंची थी तो एक ने उनकी खूब कुटाई की, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, नाक से खून निकल आया था, और इतना पिटने के बाद निखत ने वही कहा जो जुनूनी लोग अक्सर ही कहते हैं, उसने मुझे इतने बुरे तरीके से मारा कैसे, मैं अगली बार उसका एहसान वापस चुका दूंगी। यहाँ से 12 साल की निखत ने वापस मुड़कर नहीं देखा और आज वो भारत की 5वीं वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी लालरमलियानी, लेखा केसी के बाद 5वीं बॉक्सर। अब निखत अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम खेलने जा रही हैं और यहाँ पर भी उनसे गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद। ये सवाल थोड़ा सा जमता नहीं है क्योंकि हमने साल 2020 में इनका नाम खूब सुना था जब टोक्यो ओलंपिक्स में जाने के लिए इन्होंने माइटी मैरी कॉम को ट्रायल्स के लिए चैलेंज किया था। वो मैच बेशक निखत हार गई थी लेकिन ये तो उनके लिए बस शुरुआत थी। साल 2021 के ओलंपिक्स में वो नहीं जा पाई लेकिन साल 2022 की वर्ल्ड चैंपियन में निखत ने इसकी कसर निकाल ली, यहाँ से वो गोल्ड मेडल लेकर आई। निखत ने अपनी लाइफ में कभी गिवअप करना नहीं सीखा। एक परंपरागत मुस्लिम फैमिली से आने के बाद भी उनके पिता ने उनको खूब सपोर्ट किया। निखत की कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी को देखते हुए उन्होंने निखत को दौड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद निखत शॉर्ट स्प्रिंट करने लगी और एक दिन उन्होंने स्टेडियम में लड़कियों को खूब सारे खेलों में हिस्सा लेते हुए देखा लेकिन उनमें से कोई भी बॉक्सिंग नहीं कर रही थी। इस बारे में Olympics.com से बात करते हुए निखत ने उस वक्त अपने पिता के साथ हुई बातचीत को याद किया। निखत ने कहा था, मैंने अपने पिता से पूछा कि बॉक्सिंग में कोई लड़की हिस्सा क्यों नहीं ले रही है, बॉक्सिंग सिर्फ लड़के ही करते हैं क्या? इसके जवाब में उनके पिता ने कहा, नहीं, लेकिन वो बॉक्स इसलिए नहीं करती क्योंकि लोग लड़कियों से घर पर रहने और घर का काम करने की उम्मीद करते हैं। और यही बात निखत को हिट कर गई क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने रनिंग ट्रैक को छोड़ दिया, बॉक्सिंग ग्लव्स अपने हाथ में डालकर रिंग में उतर गई। इस मसले पर उनका कहना है, मेरे दिमाग में लड़कियां हमेशा से बराबर हैं और हमेशा से उतनी ही ताकतवर भी। निखत ने साल 2009 में बॉक्सिंग ट्रेनिंग करनी शुरू की लेकिन शुरू में सबसे बड़ी परेशानी कोच की थी और उनके साथ प्रैक्टिस के लिए लड़कियां भी नहीं थी। ऐसे में निखत ने अपने पिता के बॉक्सिंग कोच दोस्त के साथ खुद पर काम करना शुरू किया। वो लड़कों को सिखाया करते थे तो उन लड़कों के बीच ही निखत ने भी प्रैक्टिस शुरू करी। इस बारे में निखत ने कहा था, उन्होंने मेरे साथ कभी भी अलग व्यवहार नहीं किया और ना ही मुझ पर वार करते हुए आसान हुए। इसी ट्रेनिंग का फायदा निखत को आगे चलकर हुआ। बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स में लड़कियां निखत को कोई बड़ा चैलेंज नहीं लगती थी। साल 2010 में हुए सब जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में निखत को बड़ा ब्रेक मिला। उस टूर्नामेंट में निखत ने गोल्ड मेडल जीता और साथ ही बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी अपने साथ लेकर गई। इसके बाद निखत ने साल 2011 में हुई वर्ल्ड और यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साल 2013 में हुई यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और फिर 19 साल की उम्र में यानी कि साल 2015 में सीनियर नेशनल कैंप ज्वाइन किया। अब तक स्मूथ लग रहा निखत का करियर अब कई ट्विस्ट एंड टर्न लेने वाला था और इसमें सबसे खास बात ये थी कि निखत मैरी कॉम जैसे दिग्गजों के साथ सेम वेट कैटेगरी में होने के बाद भी अपनी कैटेगरी गिवअप करने के लिए तैयार नहीं थी। निखत की अंत तक लड़ने वाली जिद उनको खास बनाती है। फ्लाईवेट कैटेगरी में लड़ने वाली निखत को जूनियर वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी सीनियर्स कैटेगरी में ब्रेक करने में काफी समय लग गया था। अपने उस दौर के बारे में निखत कहती है, 51 किलोग्राम कैटेगरी में जगह बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर पहले ही मैरी कॉम, पिंकी जांगर जैसे बड़े नाम थे, वो काफी सीनियर और अनुभवी थे। निखत को अपनी जगह बनाने के लिए अलग वेट कैटेगरी में लड़ने को भी कहा गया। साल 2016 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनको 54 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ने को कहा गया। इस कैटेगरी में नेशनल ट्रायल्स जीतकर निखत टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। ठीक ठाक परफॉर्मेंस के बाद भी वो सिर्फ इस वजह से नाराज थी कि उनको फेवरेट कैटेगरी में लड़ने को नहीं मिला था।
इस पर Olympics.com से निखत बोली, मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल वेट कैटेगरी में हिस्सा ना लेकर थोड़ी परेशान थी। सभी ने मुझे इसके लिए परेशान नहीं होने को कहा और कहा कि मुझे अभी और आगे जाना है। इस टूर्नामेंट के आगे भी मैरी कॉम फ्लाईवेट कैटेगरी में भारत की पहली पसंद बनी रही। एशियन टाइटल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती रही। और दूसरी तरफ निखत की दिक्कतें और बढ़ गई। साल 2017 में उनका कंधा भी अपनी जगह से खिसक गया, जिसके बाद उनको कुछ समय के लिए बॉक्सिंग रिंग से बाहर जाना पड़ा। निखत ने करीबन एक साल बाद फिर वापसी की और इस बार बिना ब्रेक के उन्होंने लगातार मेडल्स अपने नाम किए। सबसे पहले साल 2018 में उन्होंने बेलग्राद विनर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और फिर साल 2019 में बैंकॉक में हुई एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद स्ट्रेंजर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड भी अपने नाम किया। हालांकि इन सब के बाद भी बड़े टूर्नामेंट्स में मैरी कॉम ही शिरकत करती रही, लेकिन साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स के राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद मैरी कुछ टूर्नामेंट्स नहीं खेली, जिसका फायदा निखत को हुआ। निखत ने साल 2021 में हुई नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की। उसके बाद बोस्फोरस ओपन और स्ट्रेंजर मेमोरियल में भी मेडल जीते। वैसे तो निखत अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल रही हैं, लेकिन उनसे उम्मीद का कारण उनकी कभी ना खत्म होने वाली हिम्मत है। साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन है और जिस तरीके से निखत अब खुद को अप्रोच करती हैं, वो उनको मेडल का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। स्पोर्ट्स स्टार से बात करते हुए बैंक ऑफ इंडिया की स्टाफ ऑफिसर निखत ने अपने अंदर लाए बदलाव के बारे में कहा था, मैंने अपने एग्रेशन, कॉम्बिनेशन, अटैक, री अटैक और दूर से खेलने पर काम किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठी निखत ने अपनी तैयारियों पर कहा कि उनका पूरा ध्यान इंग्लैंड और आयरलैंड से आने वाली बॉक्सर्स पर है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में निखत ने कहा, मेरा ध्यान इंग्लैंड और आयरलैंड से आने वाले बॉक्सर्स पर है। उसी आयरिश लड़की कार्ली मैकनॉल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। 50 किलोग्राम कैटेगरी में हर कोई मुझसे छोटा है। मैं दूर से बॉक्सिंग करने और अलग तरीके के बॉक्सर से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। निखत अगर एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो हम उन्हें दोबारा ट्विटर पर ट्रेंड होते हुए देख सकते हैं। हाल में जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो उन्होंने मीडिया से सबसे पहले सवाल यही किया था कि क्या मैं ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हूँ। ट्विटर पर ट्रेंड करना मेरे सपनों में से एक था। अगर मैं वास्तव में अभी ट्रेंड कर रही हूँ, तो मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। इंडिया की जनता भी यही चाहेगी कि निखत एक और गोल्ड मेडल जीते और एक बार फिर ट्रेंड करें। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।